स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के वीडियो में बात करेंगे नेशनल हाईवे नंबर 44 के अंतर्गत बनाए गए भारत का पहला और विश्व का सबसे लंबा एनिमल अंडरपास के बारे में, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाला एक सराहनीय और अद्भुत परियोजना है, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और यह ऑपरेशनल भी हो चुका है। इसका निर्माण पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और पेंच नेशनल पार्क की नागपुर शहर से दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। जैसा कि आप गूगल मैप में देख सकते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसको कि पहले नेशनल हाईवे नंबर 7 के नाम से जाना जाता था, पेंच नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरता है। अतः वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु, खासकर टाइगर्स और दूसरे वन्य जीवों को हाईवे क्रॉस करने में आसानी हो, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे नंबर 44 हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि श्रीनगर से शुरू होकर जम्मू, जलंधर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कर्नूल, बेंगलुरु, सेलम होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 3,745 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे नंबर 44 को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे देश का वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है। यह हाईवे परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और पर्यावरण के बीच समन्वय का एक शानदार उदाहरण है और यह मानव जाति और वन्य जीव दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। वर्ष 2010 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 के अंतर्गत नेशनल हाईवे नंबर 44 के लगभग 117 किलोमीटर लंबे खंड को फोरलेन में कन्वर्ट करने की घोषणा की गई और इस 117 किलोमीटर लंबे खंड में से 37.45 किलोमीटर लंबा खंड पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले 37.45 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य 10 नवंबर 2015 में शुरू किया गया और इस मिटिगेशन स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत 9 जगहों पर वायाडक्ट का निर्माण किया गया। उन स्थानों की पहचान की गई जिन स्थानों पर वन्य जीवों का मूवमेंट सबसे ज्यादा होता था। पेंच टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बनाए गए सभी वायाडक्ट की सतह से ऊंचाई लगभग 5 मीटर है, अतः बड़े जानवर भी आसानी से हाईवे को क्रॉस कर सकते हैं। इन सभी 9 मिटिगेशन स्ट्रक्चर्स में सबसे छोटे वायाडक्ट की लंबाई लगभग 50 मीटर है और सबसे लंबे वायाडक्ट की लंबाई लगभग 750 मीटर है और इस परियोजना के अंतर्गत 750 मीटर लंबाई के 2 वायाडक्ट्स का निर्माण किया गया है। इन दोनों वायाडक्ट्स में 30 मीटर लंबाई के 25 स्पैन का निर्माण किया गया है। इस वीडियो के बनाए जाने तक यह 750 मीटर लंबा अंडरपास विश्व का सबसे लंबा एनिमल अंडरपास है, जिसके निर्माण का उद्देश्य केवल और केवल वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए सभी 9 एनिमल अंडरपासेस को मिलाकर इसकी कुल लंबाई लगभग 2,200 मीटर हो जाती है। इन सभी के निर्माण में लगभग 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 19 मार्च 2019 को यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। और सबसे रोचक बात, वाइल्ड लाइफ के मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही मोशन डिटेक्टर सेंसर्स को भी लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार की छोटी सी हरकत होने पर कैमरा एक्टिव हो जाए और उसकी फोटो ली जा सके। रात्रि के दौरान भी जानवरों के आवाजाही की बेहतर तस्वीरें खींची जा सके, इसके लिए नाइट विजन कैमरे को भी इंस्टॉल किया गया है और कैमरे से ली गई चित्रों के अनुसार पहले 10 महीनों के अंदर अर्थात 2019 में 5,000 से भी ज्यादा वन्य जीवों ने इस वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडरपासेस का इस्तेमाल किया है, जिनमें से टाइगर्स की संख्या 133 थी। इतना ही नहीं, 2020 में इस अंडरपासेस को इस्तेमाल करने वाले सभी वन्य जीवों की संख्या बढ़कर 16,000 के ऊपर जा पहुंची है, जो कि ओवरऑल 193% की बढ़ोतरी है। सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करने से यह मिटिगेशन स्ट्रक्चर्स कितना प्रभावशाली साबित होगा, इसको भी स्टडी करने में सहायता मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। सभी मिटिगेशन स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत 50 मीटर लंबाई से 250 मीटर लंबाई तक के गाइडेड वॉल्स का निर्माण किया गया है, जिसकी सहायता से वन्य जीवों को अंडरपास से गुजरने में आसानी होगी।
हाईवे के दोनों किनारों पर नॉइज बैरियर को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि वाहनों की ध्वनि से जानवरों को परेशानी ना हो। आपको बता दें कि वर्तमान में इसी नेशनल हाईवे नंबर 44 पर 1.4 किलोमीटर लंबा एनिमल अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह अंडरपास विश्व का सबसे लंबा एनिमल अंडरपास बन जाएगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत भी राजस्थान में एनिमल अंडरपासेस का निर्माण किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।